चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मिनी क्यूबा भिवानी के मुक्केबाज मनीष कौशिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धि न केवल देश बल्कि हरियाणा व भिवानी वासियों के लिए विशेष मायने रखती है। 2018 के कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट व 2019 के सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट मनीष कौशिक ने अपनी उपलब्धि पर कहा कि खेल क्षेत्र में उन्हें मिले इस पुरस्कार के पीछे उनकी 12 वर्ष की मेहनत है। अपनी सफलता पर उन्होंने खेल मंत्रालय, भारतीय सेना व बॉक्सिंग फेडरेशन सहित अपने कोच मंजीत सिंह व सीनियर साथी वर्ल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कौशिक व परिवारजनों का आभार जताया है। फिलहाल मनीष कौशिक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पूना में तैनात हैं। वे इन दिनों NIS पटियाला व भिवानी के बॉक्सिंग रिंग में 2021 ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भिवानी के खेल प्रीमियमों ने मिनी क्यूबा के मुक्केबाज मनीष कौशिक को खेल दिवस के मौके पर मिले अर्जुन अवार्ड को लेकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई तथा कहा कि यह भिवानी हरियाणा व देश के लिए गौरव की बात है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे मनीष बॉक्सर को इस उपलब्धि इस श्रेय को ले यहाँ पहुँचाने वाले उनका योगदान है और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार की उपलब्धि है भिवानी के खेल प्रेमियों में किस प्रकार का उत्साह मानते हैं? अभी आज भिवानी के अंदर सभी ढोल नगाड़े मिठाइयाँ बट रही हैं, उनके गांव में भी यानी पूरा जश्न का माहौल है। तो हम इनके कोच भी और मैं भी इनका सीनियर प्लेयर बड़ा भाई भी इनका अर्जुन अवार्ड मिलने पर जो हमारा खेल जगत है, बॉक्सिंग परिवार है, उसके लिए बहुत खुशी का और गर्व का दिन है ये, और बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक खुशी का माहौल है। जो मनीष, मैं एक बतौर उनका कोच, बॉक्सिंग कोच, मेरा अपना सपना पूरा हुआ है कि मनीष आज अर्जुन अवार्ड ही हुआ है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसके परिवार को, खासकर बॉक्सिंग फेडरेशन और आर्मी इंस्टीट्यूट को, जो कि उसने इतना होनहार अचीवमेंट दी है हमारे देश के लिए।